हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो वीडियो है, इंडिया से माफ़ी मांगते वक्त रो पड़े पीएम सितिवेनी राबुका, लोग भी रोने लगे। देखें वीडियो है भाई, ये क्या है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। टुडे आई सितिवेनी लिमा मांडा रुबुका ऑन बिहाफ ऑफ दोस हु वर विद मी इन 1987 ask for your forgiveness and pray that God will grant you the serenity, the power to forgive us. God bless you all. Minister Rambuka, I also accept your apology, be it that it is in a personal capacity that you apologize. Wow, yeah. You all know that old adage, to err is human, to forgive divine. Today, I, Sitiveni Lima Amanda Rumbuka, on behalf of those who were with me in 1987, ask for your forgiveness and pray that God will grant you the serenity, the power to forgive us. God bless you all. हुआ क्या था, हम तो पता नहीं चल रहा। माफी मांग रहे ये हैं फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका। रविवार को 1987 के तख्तापलट के लिए उन्होंने भारत फिजी समुदाय से माफी मांगी। We all know that old adage, to err is human, to forgive Indians divine. Indians जो फिजी के हैं, उनसे मांगी है। कुछ किया होगा उनके साथ ना इंसाफी। Today, I, Sitiveni Lima Amanda Rumbuka, क्या वो तो बताओ। On behalf of those who were with me in 1987, ask for your forgiveness and pray that God will grant you the serenity, Indians honge, the power to forgive us. God bless you all. उनकी मातृभाषा अंग्रेजी है। रबुका ने इस बात को माना कि उन्होंने फिजियन, विशेष रूप से इंडो फिजियन समुदाय और उनके बेटों और बेटियों के साथ अन्याय किया है, जिससे कुछ लोगों को बेहतर जीवन के लिए हमारे तटों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने अपने गलत कामों को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि आप हमें दोष देने के लिए सही हैं। आपको उन कठिनाइयों के लिए हमें दोष देने का पूरा अधिकार है जिनसे आप गुजर रहे हैं। राबुका की माफी भारत प्रशांत द्वीप शिखर सम्मेलन से पहले आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत प्रशांत द्वीप समूह FIPIC शिखर सम्मेलन को संबोधित करने और प्रशांत द्वीप समूह के साथ भारत के जुड़ाव को गहरा करने के उद्देश्य से कई पहलों की घोषणा करने की उम्मीद है और उससे पहले अब इनकी माफी आ गई है। आपको बता दें कि 21-22 मई को पापुआ न्यूगिनी में FIPIC शिखर सम्मेलन में वो भाग लेंगे। राबुका द्वारा माफी को स्वदेशी, फिजियन और भारतीय समुदायों के बीच सुलह की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। जब सितिवेनी राबुका माफी मांग रहे थे तो वहां मौजूद लोग रोने लगे, यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री राबुका की आंखों में आंसू थे। आपको बता दें कि फिजी में साल 1987 में एक सैन्य तख्तापलट के बाद एक जातीय भारतीय बहुमत में थे, उनमें से हजारों लोगों को 330 द्वीपों के देश को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। इस दौरान प्रधानमंत्री टिमोसी बावद्र को निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंका गया, जो देश के पहले जातीय भारतीय प्रधानमंत्री थे। अब इन तमाम अपने कुकृत्यों के लिए फॉर्मर मिलिट्री कमांडर और मौजूदा प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका पूरे देश के साथ साथ भारत से भी माफी मांग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। यार मुझे क्लियर नहीं हुआ, मुझे लग रहा है कि वो क्या ये कह रहे थे कि पहले कोई इंडियन ओरिजिन वाले वहां पे थे, क्या ये पीएम थे शायद,
इन्होंने खुद पावर में आने के लिए उनके साथ, और ऐसे लगता है इंडियंस जो वहाँ पे रह रहे थे, ओरिजिन के लोग थे, उनसे कुछ बुरे कार्य किए, उनके साथ कुछ नाइंसाफियाँ की होंगी, कुछ उस टाइप से किया, जिसकी वजह से उनको वहाँ से छोड़ के जाना पड़ा है। तो अब जो अब रहते हैं, जो अभी भी रह रहे हैं, उनसे वो माफ़ी मांग रहे हैं, क्योंकि अब उनको इंडिया से बेटर रिलेशनशिप्स और वो सब करना है। पर मुझे पूरी बात नहीं पता, अगर आपको पता है डिटेल्स में हुआ क्या था तो ज़रूर शेयर करना। पर ये मैं देख रही थी जब ये सुना कि देखो वही हम कह रहे हैं ना कि जैसे जैसे इंडिया पावरफुल होता जाएगा तो कंट्रीज़ जो हैं वो अपने आप दोस्ती के लिए आगे आएंगी। अभी छोटी छोटी कंट्रीज़ आ रही हैं जिनको अब ज़रूरत लग रहा है कि उन्हें ज़रूरत पड़ रही है इंडिया की, क्योंकि हो सकता है ये भी किसी प्रॉब्लम्स में हो, इनकी भी कंट्री शायद डूब रही हो या क्या हो, उनको बड़ी ज़रूरत पड़ रही है कि इंडिया से किसी तरह से ट्रेड या कुछ और रिलेशनशिप्स बेटर हों, तो इसलिए वो अब माफ़ी मांग रहे हैं। अब ये तो मुझे नहीं पता कि फॉरगिवनेस जो काम किया है वो फॉरगिवनेस के लायक है कि नहीं है, वो तो अब आप बताना अगर इफ़ यू नो डिटेल्स। पर इससे ये पता चल रहा है कि हम उस रास्ते में वो आगे बढ़ रहे हैं, हम मींस इंडिया, कि वो दिन भी दूर नहीं कि यूके भी फॉरगिवनेस मांगेगा और कहेगा ये लोग कोहिनूर और बाकी आपकी जो सारी चीज़ें हम लूट के लेके गए थे, हमें भी माफ़ी दे दो। एक स्टेप तो ये दिख रहा है मुझे। राइट, मैं तो ये सोच रहा हूँ, देखिए कि 1987 की बात करें, 1987 में कुछ ऐसा किया और वहाँ पे जो इंडियन ओरिजिन की पॉपुलेशन थी उससे सॉरी मांग रहे हैं कि मैं सॉरी बोल रहा हूँ आपको, कुछ ना कुछ घपले किए होंगे और मिलिट्री के ही थे मास स्केल में, कि इंडियन ओरिजिन लोगों को तकलीफ हुई होगी, कुछ मेजर किया होगा, हो सकता वो है। कह रहे हैं ऑफ कोर्स ये इसलिए कह रहे हैं कि इंडिया से दोस्ती हो जाए, ऑलरेडी होगी, इंडिया पे निर्भरता बढ़ रही है पूरे वर्ल्ड की, जैसे इंडिया आगे बढ़ रहा है, तो मेरे ख्याल से एक है। मगर दूसरी अचंभे की बात थी कि कहाँ कहाँ ब्रिटिश लोग जा के लोगों को कॉलोनाइज कर चुके हैं, कि लोग जो हैं एक फीजी एक आइलैंड है वहाँ पर भी अंग्रेज़ी बोल रहे हैं और जो एड्रेस कर रहे हैं लोग, वो जो बैठे हैं वो भी, मतलब लग रहा है सभी को अंग्रेज़ी उनकी उस टाइप से बन गई है मेन लैंग्वेज, जो अंग्रेज़ी में बोल रहे हैं, या उनको लग रहा है कि जो जिनको एड्रेस कर रहे हैं नहीं आती, इसलिए खुशी मुझे खुशी हो रही है कि मोदी जी जो हैं हिंदी में बात करते हैं, हर चीज़ हिंदी में बोलते हैं दिखाने के लिए कि हम अपनी मातृभाषा में ही बोलेंगे। मेरे ख्याल से जैसे जैसे कोई कंट्री ज़्यादा एडवांस होती है वैसे वो अपनी भाषा में हर कार्य करती है। जैसे आप यूरोप के देखेंगे नेशंस, उनमें ठीक है आती है इंग्लिश मगर कार्य होता है अपनी ही लैंग्वेज में। वो कौन सी किमने सुनी थी जो लेडी आई थी इटली, हाँ वो कि अब हमारा सारा काम जो है अपनी लैंग्वेज में, इटालियंस ने बोल दिया था कि इंग्लिश के जो वर्ड्स आए हैं उनको बाहर निकालो, प्योर अब इटालियन में ही काम होगा। जर्मन लोग जो हैं वो मतलब जर्मन भाषा में करते हैं, जर्मनी वाले, हर बंदा जो है अगर आप जाएं नॉर्वे जाएं स्वीडन जाएं अपनी भाषा में हर इंसान प्राइमरीली उसे बोलता है। पर इटली वाली मुझे लगता है वो तो इन्फ्लुएंस मोदी जी से होके गई थी मुझे तो यही फील होता है। उन्होंने तो बोला कि ये जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स बनाते हो उसमें इटालियन में लिख रहे हो, बीच में अंग्रेजी वर्ड जा रहे हो, सब अंग्रेजी वर्ड निकालो, प्योर इटालियन होनी चाहिए, वो इटालियन हमारी ख़राब हो रही है, इंग्लिश से वर्ड्स ट्रांसफ़र करते जा रहे हो इटालियन में। पर देख लो है तो बड़ा सरप्राइजिंग 1987 में जो किया था, तब देखा था फोटोज दिखा रहे थे कितने यंग और अब देखो कितने बूढ़े हुए हैं, इतने साल बाद ही इज कमिंग टू अपोलोजाइज। तो चलो शेयर करना किया क्या था ताकि पता तो चले हमें। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।